हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेकरफोर्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्सिंग क्या होता है। तो डॉक्सिंग ये एक ऐसा शब्द है, यानी वर्ड है, जो शायद आप में से कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और जिसने सुना होगा उसे पता नहीं होगा। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको डॉक्सिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जाने अनजाने में डॉक्सिंग का शिकार बन बैठते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्सिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इससे आप सभी कैसे बच सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्सिंग क्या होता है? अगर मैं आपको आसान शब्दों में डॉक्सिंग की डेफिनेशन बताऊँ, डॉक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई यूज़र किसी कंपनी या किसी भी इंसान की पर्सनल जानकारी, जैसे उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा, इंटरनेट पर सर्च करके निकालता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को किसी कंपनी या किसी इंसान की इजाज़त के बगैर इंटरनेट पर पब्लिश कर देता है। इस प्रोसेस को ही डॉक्सिंग कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्सिंग काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, डॉक्सिंग में कोई भी यूज़र सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल, जैसे आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपकी प्रोफाइल पिक्चर को निकालता है। उसके बाद वो यूज़र आपकी इन बेसिक डिटेल से आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जैसे आपका असली नाम क्या है, आपकी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपके घर का पता क्या है, या फिर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, जैसे आपका IFSC कोड, ये सभी निकालता है। या फिर हैकर किसी भी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल को चुरा लेता है जिसे वो कंपनी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई भी हैकर किसी भी कंपनी की फाइल को पब्लिक क्यों करेगा, या फिर किसी भी इंसान की पर्सनल जानकारी को ऑनलाइन पब्लिश क्यों करेगा। अब ऐसा करने के पीछे उस यूज़र के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि वो यूज़र आपको जानता हो और आपसे जलता हो, या आपकी कामयाबी से जलता हो और आपको नीचा दिखाना चाहता हो, या हो सकता है कि वो आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे हड़पना चाहता, या हो सकता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा हो ताकि वो उस कंपनी को नीचा दिखाना चाहता हो, या कई केस में ऐसा भी होता है कि कॉम्पिटिटिव वाली कंपनी उस कंपनी को डुबोकर खुद ऊपर उठना चाहती है और ऐसा करने के लिए उस हैकर को इस कंपनी ने ही हायर किया होता है, या फिर वो हैकर उस कंपनी को ब्लैकमेल करके उससे पैसा हड़पना चाहता हो। तो कारण कई सारे हो सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बताएंगे आपको कि इस डॉक्सिंग से कैसे बच सकते हैं आप सभी। दोस्तों, डॉक्सिंग से बचने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंटरनेट चलाते समय कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इंटरनेट का यूज़ हम अलग अलग काम के लिए करते हैं, लेकिन एक काम हम सब करते हैं और वो है सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और भी बहुत सारे। इन सब एप्लीकेशन में हमें अपना नाम, पता, DOB और फ़ोन नंबर डालना होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। अब कई नए यूज़र्स अपनी इन निजी जानकारी को पब्लिक कर देते हैं, जिससे कोई भी आपकी इन जानकारी को गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको ख़ास तौर पर से ये ध्यान रखना है कि आपने फेसबुक और बाकी सभी एप्लीकेशंस में जो अपनी निजी जानकारी डाली है वो पब्लिक तो नहीं है। अगर पब्लिक है तो उसे अभी के अभी प्राइवेट कर लीजिए। दूसरा, जब भी प्ले स्टोर पर कोई नई एप्लीकेशन आती है तो लोग उसे डाउनलोड करने लगते हैं और जल्दी जल्दी में बिना पढ़े उस ऐप को कई ऐसे परमिशन दे देते हैं जो कि उस ऐप को उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, और आपको ये पता नहीं होता है कि जब आप उस ऐप में अपनी निजी जानकारी, जैसे अपना नाम, पता, DOB, फ़ोन नंबर और भी वगैरह वगैरह डालते हैं, तो आपकी ये सारी जानकारी हैकर के सर्वर में सेव हो जाती है, जिसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, और ये बात आपको पता भी नहीं होती है। आप उस एप्लीकेशन को थोड़ी देर इस्तेमाल करके डिलीट कर देते हैं, जबकि आपकी पर्सनल जानकारी तो हैकर के पास पहुंच चुकी है।
हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने से पहले उस एप्लीकेशन की रेटिंग और रिव्यू ज़रूर चेक कर लें। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन को किस कंपनी ने बनाया है उसका डेवलपर को ज़रूर चेक कर लें। सारी जांच पड़ताल के बाद ही किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इंस्टॉल होने के बाद जब आप उस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो खासा ध्यान रखें कि आप उस एप्लीकेशन को क्या क्या परमिशन दे रहे हैं और क्या उस एप्लीकेशन को उसकी ज़रूरत है या नहीं। जैसे कई गेम माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस करने की परमिशन मांगते हैं जबकि गेम को इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो प्ले स्टोर पर कई बार ऐसा हुआ है कि कोई एप्लीकेशन अपलोड की गई है, उस एप्लीकेशन ने कई लोगों का डेटा चुरा लिया है। ऐसे में तुरंत प्ले स्टोर ऐसी एप्लीकेशन को रिमूव कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको डॉक्सिंग के बारे में पता चल गया होगा कि डॉक्सिंग क्या है, कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सके। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपको दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।